के बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, एपी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति के प्रति विचारों में हम लंबे समय तक जकड़े हुए रहते हैं, उसे हम डिप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि शुरू में हमें इनसे रिलेटेड सिर्फ हम स्ट्रेस में चले जाते हैं और धीरे धीरे ये स्ट्रेस बढ़ता 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 हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। डिप्रेशन की इसमें तीन स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। तो पहली स्टेज में क्या होता है कि हम किसी विचार को पकड़कर उसके प्रति चिंतित रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। फिर वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद दूसरे स्टेज में हम पहुंच जाते हैं, जहां पे हमारे एंग्जाइटी बढ़ने लगती है, हमारी जो डेली का शेड्यूल है वो भंग हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं उससे और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और तीसरी जो स्टेज होती है वो सबसे खतरनाक स्टेज होती है, जिसमें हमें सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और हमें मन करता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लूं, सुसाइड कर लूं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। तो अब हम इसके अंदर इसके कुछ सिम्टम्स जानेंगे, जिसके बाद में हमें पता चलेगा कि क्या हमें भी इस तरीके का होता है या नहीं होता है। सिम्टम्स में इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी पे भी इसका असर देखने को मिलता है, हमें भूख कम या ज़्यादा लगती है, नींद की मात्रा इसमें बिल्कुल कम हो जाती है, पीठ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, हम किसी चीज़ पर ध्यान विकसित नहीं कर पाते, हमारा कंसंट्रेशन पावर है वो ख़त्म हो जाता है, हमारा फोकस पूरी तरह से हिल जाता है और हमारा जो बिलीफ है वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। कितनी भी पॉजिटिव चीज़ हमारे सामने रखे वह हमें नेगेटिव दिखेगी, चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाता है, हम अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते और हमें सारी चीज़ें इसमें नेगेटिव दिखने लगती है। तो ये कुछ एक इसके सिम्टम्स है। अब हम बात करेंगे कि अपने आप से आप इसके अंदर अपना ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा आप इससे निपट सकते हैं। मान के चलो आपको किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जिसको लेकर आप डिप्रेशन में पहुंच गए हैं, तो उसको क्या करना होगा, आपने उसको लिखना होगा। लिखने के बाद में क्या होता है कि वर्तमान सिचुएशन में आपको उसके प्रति बहुत ज़्यादा ऐसे खराब विचार आ रहे हैं, ऐसे चीज़ें हो रही है उसके साथ में जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो फिर आपको करना क्या होगा, आपको करना वह होगा जो आपको करना चाहिए। छोटी सी चीज इसके अंदर समझने वाली है कि जो आप सोच रहे हो और समझ रहे हो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि उसी की वजह से तो आप डिप्रेशन में गए हो। आपको वह करना है जो आप नहीं कर रहे, आपको उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है, उसको किसी और दृष्टिकोण से देखना है। जब आप इस चीज को किसी विशेष दृष्टिकोण से देखते हो तो ये सारी चीजें आपके नियंत्रण में आ जाती है। आप इस पूरी सिचुएशन को किसी अलग दृष्टिकोण से देखते हो तो पूरी सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाती है और धीरे धीरे आप इसमें ठीक होने लगते हो। एकदम से आप इसके अंदर ठीक नहीं होगे, आपको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, परंतु आप धीरे 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 अपने आप से इसके अंदर रिकवरी कर जाओगे। अगर आपको भी डिप्रेशन है, फोबिया है, एंग्जाइटी है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी मदद ले सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।